तो अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की जनगणना, जो कि आपका अंतिम टॉपिक है। तो चलिए देखते हैं, कई बार आपने वैसे पढ़ा होगा, उसी को यहाँ पर हम एक बार रिविज़न कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जनगणना की बात कर रहे हैं, तो उत्तर भारत में जो जनगणना आपको प्रारंभ हुई थी, आप सब को पता है 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में यहाँ पर सबसे पहले यह प्रारंभ हुई। उसके बाद 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्य में ये प्रत्येक 10 वर्ष के बाद यहाँ पर नियमित, प्रत्येक 10 वर्ष में नियमित तौर से यहाँ पर होने लगी। कब से? 1881 में। किसके कार्यकाल में? लॉर्ड रिपन के। सर्वप्रथम कब हुई? 1872 में। किसके कार्यकाल में? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है, स्वतंत्र भारत में प्रथम जनगणना कब हुई? स्वतंत्र भारत में प्रथम जनगणना कब हुई? तो 1951 में। और जनगणना आयुक्त तो उस समय कौन थे आपके भारत के? आर ए गोपाल स्वामी। कौन थे? आर ए गोपाल स्वामी। जनगणना जो है नगरों के और गांवों के लिहाज से देखा जाए 1,006744 गांवों में यहां पर 15वीं जनगणना आपकी संपन्न हुई, और अंतिम आंकड़े जो है 31 मार्च 2011 को जारी किए गए। तो ये जो जितना भी डेटा हम पढ़ने वाले हैं वो कौन से हैं? जनगणना 2011 के आधार पर हम पूरा डेटा यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं अंतिम आंकड़े के अनुसार यहाँ पे बताया गया 2011 की जनगणना के अनुसार कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भाई कितनी है? 98,12,341। देश की जनसंख्या कितना प्रतिशत है? 16.50%। देश की जनसंख्या कितना परसेंट जनसंख्या यूपी में है? 16.50%। साथ ही उत्तर प्रदेश देश के क्षेत्रफल का कितना हिस्सा है? 7.33। ठीक है, तो 7.33 यहाँ पर परसेंटेज है यूपी के पास पूरे देश का, और जनसंख्या कितनी है? 16.50। इसी तरीके से जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। यदि वैश्विक दृष्टि से अगर हम बात करें तो विश्व के 4 देश चीन, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया की जनसंख्या उत्तर प्रदेश से आपका अधिक है। ठीक है, तो 4 देशों की संख्या यूपी से ज़्यादा है आपको, चीन, भारत, अमेरिका और इंडोनेशिया। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश का विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से 5वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 5वां स्थान है। साथ ही देश में क्षेत्रफल की दृष्टि से 4था स्थान है, और देश के जो पहले 3 आपके राज्य हैं शीर्ष क्षेत्रफल वाले राज्य कौन से हैं? राजस्थान पहला है, दूसरे पे मध्य प्रदेश, तीसरे पे महाराष्ट्र, और चौथे पे आपका उत्तर प्रदेश है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, ध्यान रखना है। क्षेत्रफल के लिहाज से यूपी का कौन सा स्थान है? 4था है। इसके बाद देश की कुल जनसंख्या में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का 6वां हिस्सा है, अर्थात कहने का मतलब देश का प्रत्येक 6वां जो व्यक्ति है वो कहाँ से है? यूपी से। तो देश की जनसंख्या का 6वां हिस्सा, और टोटल जितने व्यक्ति हैं हर 6वां व्यक्ति कौन सा है? यूपी का है। हर 6वां व्यक्ति कौन है? यूपी का बंदा आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपको, इसके बाद नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में महाराष्ट्र के बाद दूसरा स्थान है। ठीक है, तो दूसरा सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला प्रदेश है। कुल नगरीय जनसंख्या का 11.79% भूभाग उत्तर प्रदेश में रहता है। तो नगरीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग यूपी में है? 11.79%। इसी तरीके से ग्रामीण जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश 18.63% जनसंख्या के साथ देश का प्रथम राज्य है। इसके बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 2.4% हिस्सा है। कितना है? 2.4% हिस्सा है। साथ ही जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 17.5%। कितना है? 17.5% भारत जनसंख्या के लिहाज से है, जबकि क्षेत्रफल के लिहाज से 2.4% है विश्व के स्तर पर। भारत की जो जनसंख्या है उसमें हम अगर अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश और जापान की संख्या को मिला दें तब जाकर वो भारत की जनसंख्या के बराबर होगा। ठीक है, कितने देशों की? अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जापान की जनसंख्या मिला दें तब वो जाकर भारत की जनसंख्या के बराबर होंगे। साथ ही उत्तर प्रदेश जनसंख्या ब्राज़ील की जनसंख्या से भी आपका अधिक है, और उत्तर प्रदेश प्लस महाराष्ट्र की कुल जनसंख्या अमेरिका की जनसंख्या से भी आपका अधिक है। 3 सर्वाधिक जनसंख्या वाले देशों में चीन, भारत और अमेरिका हैं। पहला चीन है, दूसरा भारत, तीसरा अमेरिका, विश्व में 3 सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश। साथ ही प्रत्येक 10 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति आपका भारतीय होगा। विश्व के प्रत्येक 10 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति कौन है? भारतीय होगा। साथ ही 10 सर्वाधिक जनसंख्या वाले देशों में केवल बांग्लादेश एक ऐसा देश है जिसका जनघनत्व भारत से अधिक है। तो जनसंख्या घनत्व के मामले में सबसे ज़्यादा यहाँ पर भारत से ज़्यादा किसका है? आपका बांग्लादेश का है। इसके अतिरिक्त 2030 तक ऐसा अनुमान है कि भारत की जनसंख्या चीन की जनसंख्या से आपको अधिक हो जाएगी। तो ये कुछ फैक्ट हमने जनगणना 2011 के देख लिए। इसके बाद एक फैक्ट और यहाँ पर है, उत्तर प्रदेश की धार्मिक जनगणना 2011 का डेटा, ठीक है, जिसमें धर्म के अनुसार कौन किसकी संख्या कितने परसेंट रही है। तो यहाँ पर देखिए हिंदू का जो परसेंटेज रहा
2011 की जनगणना के अनुसार यूपी में वो कितना है, 79.73% हिंदू हैं, 19.26% मुस्लिम हैं, 0.32% सिख हैं, 0.18% ईसाई हैं, 0.11% यहाँ पर आपका जैन है और 0.10% आपके बौद्ध हैं। तो इस तरीके से जो धार्मिक जनगणना कहती है उत्तर प्रदेश में यहाँ पर बौद्ध, जैन, ईसाई, सिख, मुस्लिम, हिंदू सभी धर्मों के लोग निवास कर रहे हैं और सर्वाधिक जो जनसंख्या हिंदू की है, सबसे कम यहाँ पर बौद्ध की है। अब चलिए उत्तर प्रदेश के दृष्टिकोण से यहाँ पे ध्यान इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 5 जिले और न्यूनतम क्षेत्रफल वाले 5 जिले, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं फटाफट सर्वाधिक और न्यूनतम क्षेत्रफल वाले जिलों की संख्या कैसी है, कौन कौन से हैं। तो देखिए सर्वाधिक क्षेत्रफल किसका है, पहला स्थान खीरी का है, दूसरा सोनभद्र का है, तीसरा हरदोई का है, चौथा सीतापुर का है और पाँचवा इलाहाबाद का है। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला 5 जिले ध्यान रखिएगा, खीरी, सोनभद्र, हरदोई, सीतापुर, इलाहाबाद। क्षेत्रफल देखना है तो यहाँ पर दिया हुआ है, खीरी का कितना है 7,680 है, उसके बाद सोनभद्र का है 6,905, हरदोई का 5,986, सीतापुर का 5,743 और इलाहाबाद यानी प्रयागराज का आपका है 5,482 वर्ग किलोमीटर। अब इसकी इसी तरीके से न्यूनतम न्यूनतम क्षेत्रफल वाले 5 जिले भी आपको कई बार प्रश्न में पूछे जाते हैं। जैसे कि पूछा गया सबसे न्यूनतम क्षेत्रफल वाले जिलों में पहला है आपका संत रविदास नगर, दूसरा गाजियाबाद, तीसरा गौतम बुद्धनगर, चौथा बागपत और पांचवा वाराणसी। एरिया देख लेते हैं तो संत रविदास नगर का कितना है 1,015 वर्ग किलोमीटर, गाजियाबाद का 1,179, गौतम बुद्धनगर का 1,282 और इसके बाद बागपत का है 1,321 और वाराणसी का है 1,351 वर्ग किलोमीटर। तो न्यूनतम और अधिकतम, सर्वाधिक और न्यूनतम क्षेत्रफल वाले यूपी के 5-5 जिलों की संख्या और उनका क्षेत्रफल हमने देख लिया। इसके बाद और भी सारा यहाँ पे डेटा दिया गया है कई सारी चीज़ों को लेकर इसमें, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर आपको क्या क्या जानकारी इसमें दी गई है किस किस चीज़ों को लेकर के। तो यहाँ पर देखिए सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले सबसे पहले देख लेते हैं, सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले आपको, तो इसमें देखिए इलाहाबाद है 59,54,500 और 391 है। दूसरा यहाँ पे मुरादाबाद है 47,72,006। गाजियाबाद की जो जनसंख्या वो 46,81,645 लोग निवास करते हैं। आजमगढ़ चौथे स्थान पे है जिसमें 46,23,913 लोग रहते हैं। लखनऊ आपको 5वें स्थान पे 45,89,838। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले कौन कौन से हैं, इलाहाबाद, मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़, लखनऊ, ये 5 सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले हैं, सिर्फ 2011 की जनगणना के अनुसार सारे डेटा हैं। न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 जिले कौन कौन से हैं, तो पहला महोबा, दूसरा चित्रकूट, तीसरा हमीरपुर, चौथा श्रावस्ती, पांचवां ललितपुर। जनसंख्या कितनी है, महोबा में सिर्फ 8,75,958 लोग रहते हैं, चित्रकूट में 9,91,730 लोग हैं, हमीरपुर में 11,04,200 आपको 85 हैं, श्रावस्ती में 11,17,361 और ललितपुर में 12,21,592 लोग। तो सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 जिले हो गए। इसी तरीके से सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या वाला जिला और सर्वाधिक महिला जनसंख्या वाले 5 जिलों की स्थिति देखते हैं। तो सर्वाधिक यहाँ पे पुरुष जनसंख्या किस जिले में है, तो सबसे ज़्यादा पुरुष हैं इलाहाबाद में 31,31,807। दूसरे स्थान पे मुरादाबाद है जिसमें आपको है 25,03,186। गाजियाबाद में पुरुषों की संख्या है 24,88,834। कानपुर में है 24,59,806। लखनऊ में आपको है 23,94,476 लोग यहाँ पर आपको सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या वाले 5 जिले हो गए आपके, इलाहाबाद, मुरादाबाद, गाजियाबाद और लखनऊ। अब बात करते हैं सर्वाधिक महिला जनसंख्या वाले 5 जिले कौन से हैं, तो इलाहाबाद में सर्वाधिक महिलाएं भी हैं 28,22,584 महिलाएं हैं। दूसरे स्थान पर आजमगढ़ में जिसमें 23,28,909 महिलाएं हैं। जौनपुर में देखा जाए तो यहाँ पे 22,73,739 महिलाएं हैं। मुरादाबाद में देखा जाए तो 22,68,820 महिलाएं हैं और लखनऊ में देखा जाए तो 21,95,362 महिलाएँ हैं। इसी तरीके से सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले देख लेते हैं, तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किसका है, गाजियाबाद का है, कितना है 3,971 वर्ग किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर। इसी तरह वाराणसी में 2,395, लखनऊ तीसरे स्थान पर है 1,816,
चौथा भदोही है जिसे संत रविदास नगर कहते हैं 1555 और कानपुर नगर है 1452। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनित्व वाले पांच जिले कौन से हैं आपके? गाजियाबाद, वाराणसी, लखनऊ, भदोही या संत रविदास नगर और कानपुर नगर जो है सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिले हैं। इसी तरीके से न्यूनतम जनसंख्या जो घनत्व है या जनघनत्व है वो कहाँ पे है? तो देखिए यहाँ पे ललितपुर की बात करें सिर्फ 242 व्यक्ति हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में। सोनभद्र की बात करें तो यहाँ पे 270 हैं। हमीरपुर में बात करें तो 275 हैं। महोबा की बात करें तो 279 हैं और चित्रकूट की बात करें तो 308 हैं। तो ये आपके हैं न्यूनतम जनघनत्व वाले पाँच जिले, ललितपुर, सोनभद्र, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट। और क्वेश्चन कहाँ से आता है? सर्वाधिक और न्यूनतम साक्षरता को लेकर भी आपसे प्रश्न यहाँ पर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या साक्षर लोग कहाँ पे हैं और न्यूनतम साक्षरता वाले लोग किस जिले में हैं। तो सर्वाधिक साक्षरता देखिए गौतम बुद्ध नगर की है। कितनी है? 80.12% लोग यहाँ पर शिक्षित हैं, आपके साक्षर हैं। कानपुर नगर में 79.71% लोग, औरैया में 78.95% लोग, इटावा में 78.41% लोग और गाजियाबाद में 78.10% लोग यहाँ पर क्या हैं? साक्षर हैं। तो सर्वाधिक साक्षर वाले पांच जिले कौन से हैं? गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया, इटावा और गाजियाबाद। इसी तरीके से न्यूनतम साक्षरता वाले भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं कि न्यूनतम साक्षरता वाले पांच जिले कौन से हैं। तो चलिए देखते हैं, श्रावस्ती में देखिए शिक्षा साक्षर लोग बहुत कम है। कितना परसेंट बताया गया? कि 76.74% लोग ही सिर्फ यहाँ पे साक्षर हैं। उससे थोड़ा सा ज़्यादा आपको बहराइच में मिल जाएंगे। कितने परसेंट? करीब 49.40% लोग यहाँ पे थोड़ा साक्षर हैं। थोड़े से और साक्षर लोग आपको बलरामपुर में मिल जाएंगे, 49.51%। यह तीन जिले ऐसे हैं जहाँ पर 50% से कम लोग यहाँ पर साक्षर हैं। ठीक है, ज़्यादा दो लोग आपको शिक्षित मिलेंगे। इसके अलावा बदायूं में 51.29% और रामपुर में 53.30% यहाँ पर लोग साक्षर हैं। तो न्यूनतम साक्षरता वाले पांच जिले हो गए आपके श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, बदायूं और रामपुर हो गया। अब उसके बाद और क्वेश्चन आता कहाँ से है? सर्वाधिक और न्यूनतम लिंगानुपात वाले लेकर जिलों के क्वेश्चन भी आपको काफी सारे बार यहाँ पर पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर सर्वाधिक लिंगानुपात वाले पांच जिले कौन से हैं। सर्वाधिक देखिए लिंगानुपात है जौनपुर में, यहाँ पर प्रति 1000 लड़कों पर 1024 लड़कियाँ आपको मिलेंगी। आजमगढ़ में यहाँ पर संख्या आपको 1019 है। देवरिया में ये संख्या है 1017, प्रतापगढ़ में 998 और सुल्तानपुर में 983। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाले पांच जिले कौन से हो गए? जौनपुर, आजमगढ़, देवरिया, तीन जिले हैं जहाँ पर आपकी लड़कियों की संख्या जो है लड़कों से आपको ज़्यादा मिलती है। तो ध्यान रखिएगा कौन कौन से हैं, जौनपुर, आजमगढ़ और देवरिया में यहाँ पे प्रति 1000 लड़कों पर आपको लड़कियों की संख्या आपको ज़्यादा है, 1000 से ज़्यादा है, 1024, 1019, 1017। और पांच जिले हैं सर्वाधिक लिंगानुपात वालों में से अगर पूछा जाए तो जौनपुर, आजमगढ़, देवरिया, प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर है। अब इसी के उल्टा भी पूछा जाता है, अगर कहीं ज़्यादा है तो कहीं कम भी होंगी। तो न्यूनतम लिंगानुपात वाले पांच जिले कौन से हैं यूपी में? तो गौतम बुद्ध नगर देखिए यहाँ पर सिर्फ 851 है। कितने हैं? 851 है। बागपत हमीरपुर में देखिए 861 हैं। कानपुर नगर, बांदा, मथुरा में 863 हैं और रैया में 864 हैं और जालौन में 865 हैं। तो न्यूनतम लिंगानुपात वाले पांच जिलों में गौतम बुद्ध नगर, बागपत हमीरपुर, कानपुर नगर, बांदा, मथुरा, औरैया और जालौन। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि भाई नगरीय जनसंख्या कहाँ है? नगरीय जनसंख्या को लेकर भी आपसे प्रश्न पूछता है। तो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या और न्यूनतम नगरीय जनसंख्या से क्वेश्चन जो आते हैं वो देख लेते हैं। तो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले पांच जिलों में सबसे ज़्यादा जो नगरीय जनसंख्या है गाजियाबाद की है। कितनी है? 31,62,547। लखनऊ में कितनी है? 30,38,996। कानपुर नगर में 30,15,645। आगरा में 20,24,195 और मेरठ की 17,59,182 जनसंख्या जो है आपको नगरीय जनसंख्या। तो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या कहाँ है? गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर नगर, आगरा, मेरठ। यदि सिर्फ इतना ही पूछा जाए कौन सा शहर सर्वाधिक नगरीय है तो कृत है तो आपको गाजियाबाद। इसके बाद सर्वाधिक है तो कहीं ना कहीं पिछड़ा क्षेत्र भी होगा जहाँ नगरों की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं होगी। तो न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाले पाँच जिले भी आपको बता देते हैं। देखिए श्रावस्ती सबसे पीछे है नगरों के मामले में, यहाँ सिर्फ 38,649 लोग नगरों की स्थिति है। चित्रकूट में 96,332, कौशाम्बी 1,24,456,
संत कबीर नगर 1,28,531 और महाराजगंज में आपको 1,34,730 लोग जो होते हैं वो आपको नगरों में निवास करते हैं। तो न्यूनतम नगरीय जनसंख्या श्रावस्ती, चित्रकूट, कौशाम्बी, संत कबीर नगर और आपका महाराजगंज का आपका जिला है। तो ये तो हमने देख लिया काफ़ी सारा जो डेटा है, सर्वाधिक और न्यूनतम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है। चलिए अब और देखते हैं और क्या यहाँ पर आता है। अब न्यूनतम पुरुष जनसंख्या वाले 5 जिले, ठीक है, अधिकतम देख लिया। न्यूनतम पुरुष जनसंख्या वाले 5 जिले कौन से हैं? महोबा में 4,06,358 लोग हैं, ठीक है, पुरुष हैं। चित्रकूट में 5,27,721 पुरुष हैं। हमीरपुर में 5,93,537 पुरुष हैं। श्रावस्ती में 5,93,897 पुरुष हैं और ललितपुर में 6,41,011 पुरुष हैं। तो न्यूनतम पुरुष जनसंख्या वाले 5 जिले ध्यान रखिएगा, महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर, श्रावस्ती, ललितपुर, और सबसे कम की पूछे तो आपको न्यूनतम है आपको महोबा में है। इसी तरीके से न्यूनतम पुरुष हो पूछ सकता है तो न्यूनतम महिलाओं को लेकर भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। न्यूनतम महिला जनसंख्या वाले 5 जिले की बात करते हैं तो महोबा है जिसकी जनसंख्या है 4,09,600, चित्रकूट है 4,64,009, हमीरपुर है 5,10,748, श्रावस्ती है 5,23,464, ललितपुर है 5,80,581। तो यहाँ पर आपको न्यूनतम महिला जनसंख्या वाले ये 5 जिले हो गए। इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाले न्यूनतम और अधिकतम आपके या सर्वाधिक और न्यूनतम 5 जिले कौन से रहे। यूपी के सर्वाधिक दशकीय वृद्धि जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं, चलिए देखते हैं। तो पहले देखते हैं सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर आपको कहाँ देखने को मिलती है। तो देखिए गौतम बुद्ध नगर है जहां पर आपको 49.10% दशकीय वृद्धि कितने देखने को मिली, 49.10%। गाजियाबाद दूसरे नंबर पे आता है जहां पर देखा जाए तो 41.130%, कितनी है दशकीय वृद्धि दर आपका, 41.30% है। श्रावस्ती की बात करें तो यहां पर 30.50%, कितना है, 30.50। बहराइच की बात करें तो 29.50% और बलरामपुर की बात करें तो 27.72%। तो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर आपको 5 जिले ध्यान रखना है, नाम एक बार फिर से देख लीजिए, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, श्रावस्ती, बहराइच और बलरामपुर। इसी तरीके से न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाले 5 जिले भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो न्यूनतम में भी बात कर लेते हैं, सबसे न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर आपको देखने को मिलती है कानपुर नगर में जहां पर 0.9.90%, ठीक है, कहने का मतलब कि 9.90% आपको दशकीय वृद्धि दर रही। हमीरपुर की बात करें तो यहां पर 11.10%। इसके बाद आता है आपका बागपत 11.90%, फतेहपुर में 14.10% और देवरिया में 14.20% आपको न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाले 5 जिले हैं। कौन कौन से हैं, तो न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाले 5 जिले अगर आपसे पूछा जाए तो नाम ध्यान रखना है कानपुर नगर, हमीरपुर, बागपत, फतेहपुर, देवरिया, ये आपके न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाले जिले हो गए। चलिए अब यहाँ पर देख लिया हमने, अब बात करते हैं सर्वाधिक और न्यूनतम पुरुष साक्षरता और सर्वाधिक और न्यूनतम यहाँ पर महिला साक्षरता की स्थिति को भी लेकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पर सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले 5 जिलों की स्थिति को हम यहाँ पर पढ़ते हैं। सर्वाधिक देखिए पुरुष साक्षरता आपको गौतम बुद्ध नगर में देखने को मिलती है, 88.26% पुरुष जो होते हैं साक्षर आपको मिलेंगे। औरैया में 86.11% पुरुष साक्षर हैं, इटावा के 86.06% पुरुष साक्षर हैं, गाजियाबाद के 85.42% पुरुष साक्षर हैं और झांसी के 85.38% पुरुष साक्षर हैं। तो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले 5 जिले गौतम बुद्ध नगर, औरैया, इटावा, गाजियाबाद और झांसी हैं। इसी तरीके से यहाँ पर न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाले यहाँ पर 5 जिले कौन कौन से हैं आपके, तो इसमें देख लेते हैं कौन कौन से हैं आपके। श्रावस्ती देखिए 57.16% है, बहराइच में 58.34% है, बलरामपुर में 59.73% है, बदायूं में 61.98% है और बलरामपुर में 61.40% यहाँ पर है। तो न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाले 5 जिले कौन कौन से हैं, श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, बदायूं और रामपुर में जो पुरुष हैं वो आपको कम सबसे कम साक्षर मिलते हैं। इसी तरीके से न्यूनतम महिला साक्षरता वाले जिले भी आपसे पूछे जा सकते हैं। न्यूनतम महिला साक्षरता वाले 5 जिले सबसे कम साक्षर महिलाएं कहाँ हैं, श्रावस्ती में कितने परसेंट महिलाएं साक्षर हैं, 34.78% ही महिलाएं साक्षर हैं। इसके बाद आपका बलरामपुर आता है जहाँ पे 38.43%, बहराइच में 39.18%,
बदायूं में 4.09% और रामपुर में 44.44% महिलाएं आपको साक्षर मिल जाएंगी। तो न्यूनतम महिला साक्षरता वाले 5 जिले श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच, बदायूं और रामपुर हो गया। इसी तरीके से सर्वाधिक यहाँ पे महिला होगा, ठीक है, सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले 5 जिले कौन से हैं। सर्वाधिक महिलाएं कहाँ साक्षर हैं, कानपुर नगर में 75.05% महिलाएं साक्षर हैं। लखनऊ की बात करें तो 71.54% साक्षर हैं। गौतम बुद्ध नगर की बात करें तो 82% हैं। औरैया में 17.61% हैं और गाजियाबाद में 69.79% जो महिलाएं हैं वो साक्षर हैं। सर्वाधिक महिलाएं कहाँ साक्षर हैं यूपी के जिले में, कानपुर नगर में करीब 75% यहाँ पर 75.05% महिलाएं आपको साक्षर हैं। इसके अलावा टोटल 5 की बात करें तो कानपुर नगर, लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, औरैया और गाजियाबाद की जो महिलाएं हैं यहाँ पर सर्वाधिक 5 जो जिले हैं आपके सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले ये जिले हैं। चलिए अब बात करते हैं सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाले 5 जिले, ठीक है, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाले 5 जिले कौन से हैं। तो पहले देखिए सर्वाधिक यहाँ पर देखा जाए तो गाजियाबाद है, करीब 67.55% आपका जो क्षेत्र है वो आपका गाजियाबाद का नगरीकृत है। इसी तरीके से लखनऊ का 66.20%, कानपुर का 65.82%, गौतम बुद्ध नगर का 59.12% और मेरठ का 51.08% यहाँ पर क्षेत्र जो है वो आपका क्या है, नगरीकृत है। इसी तरीके से न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाले 5 जिले, ठीक है, प्रतिशत वाले 5 जिले, सबसे कम नगरीकृत श्रावस्ती है, कितना, सिर्फ 3.46% एरिया जो है इनका नगरीकृत है। कुशीनगर का थोड़ा ज़्यादा है, 4.72% है, महाराजगंज का भी 5.02%, सुल्तानपुर का 5.26% और प्रतापगढ़ का 5.46%। तो सबसे कम नगरीकृत प्रतिशत के लिहाज से आपके जो 5 आपके जिले हैं श्रावस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सुल्तानपुर और प्रतापगढ़ हैं। अब बात करते हैं ग्रामीण क्षेत्र को लेकर, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले 5 जिले कौन से हैं। तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या और न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाले 5 जिले भी पूछ लेते हैं, इसको देख लेते हैं। इलाहाबाद देखिए सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या है, कितनी है, 44,81,518 लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। आजमगढ़ में दूसरे नंबर पर है, 42,20,512, जौनपुर में 41,47,624, सीतापुर में 39,53,208 और गोरखपुर में 36,4,766 लोग जो होते हैं वो अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं और ग्रामीण जनसंख्या का हिस्सा हैं। तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला ध्यान रखिएगा इलाहाबाद है, कौन सा है, इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज है, उसके अलावा आजमगढ़, जौनपुर, सीतापुर और गोरखपुर है। अब न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला 5 जिला, ठीक है, न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला 5 जिले की बात करते हैं तो सबसे कम देखें तो गौतम बुद्ध नगर में है ग्रामीण जनसंख्या, यहाँ पर सिर्फ 6,73,806 लोग ग्रामीण जनसंख्या से रिलेट करते हैं। महोबा में 6,90,577, हमीरपुर में 8,94,437, चित्रकूट में 8,95,398 और बागपत में यहाँ पर आपको 10,028,000 आपको 22% जो लोग हैं यहाँ पर आपको बोला जाए तो कैसे हैं आपको, तो यहाँ पर आपका पूरा यहाँ पे बागपत का जो एरिया है वो आपको इसमें हमने देख लिया। इस तरीके से पूरा का पूरा जो डेटा है आपको जनसंख्या के दृष्टिकोण से आपको वो हमने यहाँ पर देख लिया, ये न्यूनतम जनसंख्या वाले आपके 5 जिले की बात हो गई। अब इसी तरीके से यहाँ पर देखा जाए तो सर्वाधिक अनुसूचित, ठीक है, अब सर्वाधिक अनुसूचित जाति और न्यूनतम अनुसूचित जाति को लेकर क्वेश्चन, और एससी एसटी वर्ग की जो जनसंख्या है वो कहाँ पर ज़्यादा, सबसे ज़्यादा और सबसे कम है, इसको लेकर भी पूछे जाने प्रश्नों का हल देख लेते हैं। तो सर्वाधिक यहाँ पर देखिए एससी एसटी की जनसंख्या में अनुसूचित जाति पहले देख लेते हैं, ठीक है, सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाले आपके 5 जिले, तो सीतापुर में देखिए 14,46,427, इलाहाबाद में 13,09,851, हरदोई में 12,74,505, आजमगढ़ में 11,71,378 और खीरी में 10,61,782 लोग जो होते हैं अनुसूचित जाति के हैं। तो सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाले जो 5 जिले हैं ध्यान रखना है कौन कौन से हैं, सीतापुर, इलाहाबाद, हरदोई, आजमगढ़ और खीरी में सर्वाधिक अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं। इसी तरीके से न्यूनतम अनुसूचित जनसंख्या जाति वाले 5 जिले कौन से हैं, तो बागपत में सबसे कम है, ठीक है, 14,000 एससी जनसंख्या सबसे कम कहाँ है आपकी, बागपत में 14,49,060, श्रावस्ती में 1,89,334, तो यहाँ पर शायद ये 1 लाख होगा, ठीक है, 1,49,060
श्रावस्ती में 189,334, गौतम बुद्ध नगर में 216,105, महोबा में 220,898 और ललितपुर में 206,519। तो न्यूनतम अनुसूचित जाति वाली जनसंख्या वाले पांच जिले बागपत, श्रावस्ती, गौतम बुद्ध नगर, महोबा और ललितपुर। चलिए अब इसके बाद देखते हैं एससी जनसंख्या देख ली, तो एसटी जनसंख्या को लेकर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो एसटी जनसंख्या को भी देख लेते हैं एक बार। सर्वाधिक यहाँ पे एसटी जनसंख्या जो प्रतिशत वाले पांच जिले हैं, ठीक है, तो यहां पर देखते हैं प्रतिशत के लिहाज से ठीक है, यहां पर एससी जनसंख्या प्रतिशत के लिहाज से सर्वाधिक कहाँ है, तो आपको देखा जाए 34.72% कौशाम्बी में है, सीतापुर में 32.26% है, हरदोई में 31.14% है, उन्नाव में 30.52% है और रायबरेली में 30.26% यहाँ पर एससी जनसंख्या निवास करती है। इसी तरीके से न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले पांच जिले, ठीक है, तो ये तो हो गए सर्वाधिक। अब न्यूनतम सबसे कम परसेंटेज के लिहाज से आपको जनसंख्या कहाँ रहती है, तो यहाँ पर देखिए आपको एससी जनसंख्या आपको सबसे कम कहाँ पर परसेंटेज के लिए आती है, बागपत में 11.44%, बरेली में 12.53%, बलरामपुर में 12.90%, गौतम बुद्ध नगर में 13.11% और रामपुर में 13.18% यहाँ पर आपको एससी जनसंख्या निवास करती है। तो सर्वाधिक अनुसूचित जाति अर्थात एससी और न्यूनतम अनुसूचित जाति एससी की यहाँ पर जनसंख्या हमने देख ली। अब यहाँ पर एसटी की बात करते हैं, तो पहले जनसंख्या के लिहाज से सर्वाधिक और न्यूनतम देखेंगे और फिर परसेंटेज के लिहाज से आपको सर्वाधिक और न्यूनतम की स्थिति का भी हम आकलन करेंगे। तो सबसे पहले जनसंख्या के लिहाज से देखते हैं सर्वाधिक एसटी जो जनसंख्या है आपकी वो कहाँ है। पांच जिलों में पहला है सोनभद्र, जहाँ पर 385,018 आपको एसटी रहती है। बलिया में संख्या देखा जाए तो 110,114 है। देवरिया में इनकी संख्या 109,894 है। कुशीनगर में 80,206 और ललितपुर में 71,610 आपकी एसटी जनसंख्या यहाँ पर रहती है। अनुसूचित जनजाति की संख्या वाले पांच जिले सर्वाधिक कौन कौन से हैं, सर्वाधिक पांच जिलों में सोनभद्र, बलिया, देवरिया, कुशीनगर और ललितपुर हैं। इसी तरीके से न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले पाँच जिले एसटी जनसंख्या वाले न्यूनतम जनसंख्या के लिहाज से पाँच जिले कौन से हैं, बागपत में 14, कन्नौज में 15, बदायूं में 58, एटा में 140 और औरैया कासगंज में 150 जो होती है एसटी जनसंख्या आपको रहती है। तो यहाँ पर न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले पांच जिले कौन कौन से हो गए आपके, बागपत, कन्नौज, बदायूं, एटा, औरैया और कासगंज। इसी तरीके से सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के परसेंट के लिहाज से देख लेते हैं, ठीक है, परसेंटेज वाइज यहाँ पर देख लेते हैं आपको सर्वाधिक जनसंख्या आपको कहाँ रहती निवास करती है। तो परसेंटेज के लिहाज से सोनभद्र में 20.67% यहाँ पर एसटी जनसंख्या है सोनभद्र में, ठीक है, ललितपुर में 5.86%, देवरिया में 3.54%, बलिया में 3.40% और कुशीनगर में 2.025%। तो यहाँ पर सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत के लिहाज से जो पांच जिले हैं उसमें है सोनभद्र, ललितपुर, देवरिया, बलिया और साथ साथ आपका कुशीनगर। चलिए ये भी डेटा हमने यहाँ पर देख लिया। अब यहाँ पर आता है न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाले आपके पांच जिले कौन कौन से हैं, तो उसको भी एक बार यहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन से हैं। प्रतिशत के लिहाज से आपको एसटी जनसंख्या सबसे कम कहाँ रहती है, तो बागपत में देखा जाए तो 0.001%, बागपत में कितना है 0.001%, कन्नौज में 0.001%, बदायूं में 0.02%, बुलंदशहर में 0.006% और मुजफ्फरनगर में 0.008% यहाँ पर। तो न्यूनतम एसटी जनसंख्या प्रतिशत के लिहाज से कहाँ है, बागपत पहले स्थान पर है, फिर कन्नौज, बदायूं, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, ये पाँच जिले हैं। अब यहाँ पर पूछा गया कि 0 से 6 आयु वर्ग के, ठीक है, 0 से 6 आयु वर्ग के सर्वाधिक जनसंख्या वाले पांच जिले। अब यहाँ पर देखिए तो इलाहाबाद है पहले स्थान पर, करीब 850,355 बच्चे जो हैं वो 0 से 6 आयु वर्ग के इलाहाबाद में सबसे ज़्यादा। मुरादाबाद दूसरे नंबर पर 784,219, सीतापुर में 7,37,558, आजमगढ़ में 7,06,085 और बरेली में 7,01,416 जो बच्चे हैं वो 0 से 6 आयु वर्ग के हैं। तो सर्वाधिक 0 से 6 आयु वर्ग वाली जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, इलाहाबाद है और अन्य इसमें मुरादाबाद, सीतापुर, आजमगढ़ और बरेली के जिले सम्मिलित हैं।
चलिए इसके बाद धार्मिक जनगणना के यहाँ पर देखिए तो भारत की जनसंख्या के लिहाज से और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के लिहाज से यहाँ पर किसकी है उसका यहाँ भी आंकड़ा दिया गया है, वो भी एक बार आप देख लीजिए। ठीक है, इसमें है प्रमुख धर्म दिए हुए हैं और भारत की जनसंख्या का प्रतिशत दिया हुआ है और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का प्रतिशत दिया हुआ है। तो हिंदू धर्म का पहले देखिए सर्वाधिक जो जनसंख्या भारत में है किस धर्म से संबंधित है, हिंदू धर्म की है 79.80%। यूपी की बात करें तो यूपी में भी सर्वाधिक जनसंख्या आपको हिंदुओं की है 79.73%। मुस्लिम की आबादी की बात करें तो भारत में इनकी जनसंख्या है 14.23%। कितनी है भारत में मुस्लिमों की आबादी 14.23% है। यूपी में बात करें तो ये 19.26% है, यूपी में मुस्लिमों की आबादी 19.26% है। ईसाइयों की बात करें तो ईसाइयों की भारत में जनसंख्या है 2.30%। कितना है 2.30%, लेकिन यूपी में जो जनसंख्या है वो आपका 0.18% है। सिख की बात करें तो भारत में इनकी जनसंख्या है करीब 1.72%, यूपी में इनकी संख्या है 0.32%। बौद्ध की बात करें तो इनकी भारत में जनसंख्या 0.70% और यूपी में है 0.10%। जैन की संख्या की बात करें तो ये इनकी संख्या 0.37% है और यूपी में 0.11% है। और अन्य की बात करें तो भारत में इनकी संख्या है आपको 0.66% और भारत में इनकी संख्या है 0.11%। तो यहाँ पर तुलनात्मक तौर पे जो धार्मिक जनगणना की गई उसके लिहाज से भारत और यूपी में विभिन्न धर्मों की जो जनसंख्या है वो जनसंख्या का कितने प्रतिशत है उसका यहाँ पर विवरण दिया गया था। इसके बाद 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले वैधानिक नगरों की संख्या, ठीक है, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो यहाँ पर देख लीजिए इसमें दिया गया है कि कानपुर, ठीक है, 10 लाख ही नगर वाले कितने जनसंख्या यहाँ पर, तो कानपुर है जिनकी संख्या करीब 29,20,067 है। लखनऊ की बात करें तो 29,01,047 लोग यहाँ पर रहते हैं। गाजियाबाद में यहाँ पर 23,58,525 हैं। आगरा में 17,46,464, वाराणसी में 14,35,113, मेरठ में 14,24,908 और प्रयागराज में 12,16,719 लोग। तो यहाँ पर 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की स्थिति, यहाँ पर 7 नगर दिए गए हैं और सर्वाधिक यहाँ पर जनसंख्या वाला जिला देखिए तो यहाँ पर 29,20,067 के साथ कानपुर पहले स्थान पे है। कितने हैं टोटल, 7 दिए हैं, कानपुर नगर, कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा, वाराणसी, मेरठ और प्रयागराज। अब यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश जनसंख्या के से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आपके अंतिम आंकड़े दिए गए हैं। तो क्या क्या है, जैसे कि कुल क्षेत्रफल वर्ग के हिसाब से जनगणना 2001, जनगणना 2011 और भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान। तो तुलनात्मक तौर से यहाँ पे एक डेटा आपको दिया गया है, वो भी एक बार देख लीजिए आप। कुल क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर आपका देखा जाए तो ये था 32,887,263, ये आपका देखा जाए तो यहाँ पे 2,40,928 और यहाँ पर स्थान बात करें तो आपको कितना हो गया, ये भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान कैसा है, 4th स्थान है क्षेत्रफल के लिहाज से। जनसंख्या के लिहाज से बात करें तो आपका कितना है, ये आपका 1 लाख, सॉरी ये भारत का और यूपी का, इसमें इन्होंने दोनों दे रखा है, ठीक है, भारत और यूपी का इन्होंने दे रखा है। अब यहाँ पर देखिए तो सॉरी यूपी का जो जनगणना थी 16 करोड़ थी, अब यहाँ पर देखिए तो आपको 19 करोड़ हो गई है और यहाँ पर जनसंख्या के लिहाज से आप प्रथम स्थान पर हैं। पुरुष जनसंख्या देखी जाए तो आपको करीब यहाँ पर देखा जाए तो 8 करोड़ लोग यहाँ पर पुरुष थे, ठीक है, यहाँ 10 करोड़ हो गई, 8,75,65,339 थे 2001 में, यहाँ हो गई 10,44,80,510, इसमें भी आप प्रथम हैं, पुरुष जनसंख्या के लिहाज से भी आप प्रथम स्थान पे हैं भारत में। महिला जनसंख्या की बात करें तो यहाँ पे 7,86,32,552 महिलाएँ थी 2001 में और इनकी जनसंख्या बढ़ के हो गई है यूपी में 9,53,31,831 लोग यहाँ पर हैं, इसमें भी आप प्रथम स्थान पर हैं। दशकीय वृद्धि दर प्रतिशत के लिहाज से बात करें तो ये जनगणना 2001 में यहाँ पे जो दशकीय वृद्धि दर थी वो 25.85 थी, जो गिर करके 2011 की जनगणना में 20.2% रह गई है और यहाँ पर आपका 14वां स्थान है, ठीक है, ऑल इंडिया लेवल पे आप किसका, यूपी का स्थान कौन सा है, दशकीय वृद्धि दर में 14वां स्थान है। जनघनत्व की बात करें प्रति वर्ग किलोमीटर में तो 690 था 2001 में, जो कि बढ़ करके अब हो गया कितना, 829 प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया है और 9वां स्थान है राज्य की दृष्टि आपका, आपको यहाँ पर भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है, 9वां है, लेकिन सिर्फ राज्यों के लिहाज से देखें कि दृष्टि तो 4था है। इसके बाद लिंगानुपात की बात करें तो ये आपको प्रति 1000 पुरुषों पर 898 महिलाएं यहाँ पर थी जनगणना 2001 के अनुसार, जो आपको 2011 में बढ़ के हो गया है 912 और इस लिहाज से आपका स्थान कौन सा है, 26वां स्थान है। इसके बाद
जीरो से छः आयु वर्ग में जो लिंगानुपात है वो 916 था आपको जनगणना 2001 में, जो गिर करके हो गया है 902 हो गया है, और यहाँ पर भी आपका 26वां स्थान है। इसके बाद साक्षरता दर प्रतिशत के लिहाज से 56.27% जनगणना 2001 की रही आपकी, जबकि यहाँ पर देखें तो साक्षरता बढ़ के हो गई है 67.7%, यहाँ पर आपके प्रदेश के लोग साक्षर हो गए हैं। स्थान देखा जाए तो आपका 29वां है भारत में, यूटी और स्टेट दोनों मिला के बात की जा रही है। पुरुष साक्षरता दर की बात करें तो यहाँ पर 68.2% जो बढ़ के हो गई है 77.3%, और इसमें भी आपका 29वां स्थान है। महिला साक्षरता दर की यहाँ पे बात करें तो ये आपका 42.22% था जो बढ़ के हो गया 57.2%, और स्थान आपका है 31वां। तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या से संबंधित 2000 यहाँ पे एक तुलनात्मक डेटा आपने देख लिया, 2000 जनगणना 1 की, 2011 की, और उत्तर प्रदेश का जो स्थान है भारत में, क्योंकि कई बार पूछा जाता है कि इस लिहाज से यूपी का भारत में कौन सा स्थान है, इस लिहाज से तो जनसंख्या के लिहाज से पूछ लिया, पुरुषों के क्षेत्रफल, 10 की वृद्ध, जनसंख्या, घनत्व, तो वो भी डेटा हमने यहाँ पर कवर कर लिया। तो जनगणना से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है सारा का सारा जो डेटा है यहाँ पर हमने देख लिया है, और यहाँ पर मुस्लिमों को लेकर ये डेटा हमने अभी उत्तर प्रदेश को लेकर पहले यहाँ पर डिस्कस कर लिया था। तो इस तरीके से यहाँ पर आपका डेटा हो गया खत्म, ठीक है। उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या से को लेकर यहाँ पर आपका डेटा था वो आपको फाइनली यहाँ पर फिनिश हो गया है। आपको बस जनसंख्या से रिलेटेड ये सारे डेटा को अच्छे से पढ़ लेना है, रिविज़न कर लेना है, और क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन के पूछे जाने के जितने भी आधार हो सकते हैं वो सारे के सारे आपको पढ़ा दिए गए हैं। तो जनगणना से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन आपका बनता है इनको आपको, क्योंकि सब फैक्ट है, ये आपको सब याद रखना पड़ेगा, और यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि जो आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि जनगणना को लेकर अब तक जितने भी प्रश्न बने हैं ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं जहाँ से प्रश्न पूछा नहीं गया है या पूछा नहीं जाता है। इसलिए जो कुछ भी आपको पढ़ाया गया, जितना भी जितने भी तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारा का सारा डेटा इस वीडियो में आपको यहाँ पर आपको दे दिया गया है। अब आपको करना क्या है कि इसको आपको रिविज़न करना है, पढ़ना है ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर इसको, जितनी बार आप रिविज़न करोगे उतना ही यहाँ पर आपके लिए अच्छा होगा। तो चलिए ये भी आपका हो गया खत्म, उत्तर प्रदेश से संबंधित जनगणना को लेकर जितना भी टॉपिक था वो हो गया हमारा फिनिश हो गया। तो यूपी से रिलेटेड जितना भी टॉपिक हमने पढ़ना शुरू किया था, प्री ओरिएंटेड जितना भी लेक्चर आपका था, जितने भी आपके टॉपिक थे वो हो गए फाइनली यहां पर फिनिश हो गए, ठीक है। अब जो भी टॉपिक आपका शुरू होगा अब मेंस ओरिएंटेड आपका बचा है, ठीक है। प्री ओरिएंटेड यहाँ से टॉपिक आपका यूपी का फिनिश हो गया है, और मेंस ओरिएंटेड जो भी टॉपिक होगा वो उसकी सूचना आपको दी जाएगी जब भी यहाँ पर इसको स्टार्ट किया जाएगा, क्योंकि फिलहाल अभी प्री का एग्जाम है तो थोड़ा सा भी गैप रहेगा कुछ दिनों का, और जब भी हम मेंस का शुरू करेंगे तो उसकी ऑफिशियल जो डेटा होगा वो आपको बता दिया जाएगा, हाँ इस डेट से आपको ऑफिशियली यहाँ पर मेंस की आपको क्लास चलेगी, ठीक है।